entry purchases account debited to bank, right? So without journal entry, if you try to solve it, it may be wrong, it may be correct. Means hit and trial method hoga. But once the entries are clear in your mind, then 100% surety is there, your answer will be correct. So it will be purchases account debited to bank. चलो समय किस पे क्या फर्क पड़ा, न्यूमिरेटर इफेक्टेड हुआ, डिनोमिनेटर इफेक्टेड हुआ या कुछ भी इफेक्टेड नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल इट इज 50,000. व्हेन अमाउंट ही डजंट गिवन मी इन द क्वेश्चन, आई जस्ट अज्यूम द अमाउंट, राइट? समय बोलो क्या. बिल्कुल ठीक है. स्टॉक बड़ा है जो करंट एसेट का पार्ट है और साथ में बैंक बैलेंस का रिडक्शन. ठीक है, स्टॉक का बढ़ना और बैंक बैलेंस का कम होना दोनों ही मेरे क्या है, करंट एसेट है. 50,000 इसमें ऐड होगा, साइमल्टेनियसली 50,000 इसमें माइनस भी होगा, न्यूट्रल इफेक्ट है. डिनोमिनेटर तो इफेक्टेड हुआ ही नहीं, सो नो चेंज. ठीक है जी मोहित, डन. चलिए जी आगे चलते हैं, थर्ड पे आइए. सेकेंड का नो इफेक्ट है भाई, परचेस ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश. चलो ये कौन बताएगा, एंट्री मैं बता देती हूँ. लूज टूल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश में, हाँ फिर बिल्कुल ठीक है. सिर्फ कैश कम होगा, लूज टूल्स आर नेवर द पार्ट ऑफ करंट एसेट. सो कैश विल गेट रिड्यूस, न्यूमिरेटर इज गेटिंग रिड्यूस, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेशियो कम होगी. आंसर चेक करो, इट इज डिक्रीजिंग. थर्ड का चेक करो, डिक्रीजिंग है. याद रखना है लूज टूल्स आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट, बट हियर इन द करंट रेशियो वी नेवर टेक लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स इन द न्यूमिरेटर. आगे चलो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट चेक. एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट. फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 के पुराने एसेट बेचे हैं, बैंक का बैलेंस बढ़ा मींस करंट एसेट बढ़ा. करंट एसेट बढ़ के अब कितना हो गया, 3,00,000. करंट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेशियो बढ़ गई क्योंकि न्यूमिरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर इज सेम. फिक्स एसेट इज नेवर टू बी टेकन इन द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में ऊपर न्यूमिरेटर में करंट एसेट्स है, डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटी है. इज इट फाइन विद एवरीवन? चले आगे, सी नेक्स्ट, रीड नेक्स्ट पॉइंट एवरीवन. रिसिप्ट ऑफ चेक फ्रॉम अ डेटर, मेरे डेटर ने मेरे को पेमेंट कर दी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर. चलो अभिषेक बोलो. फॉर एग्जांपल अगेन 1,00,000, माई डेटर मेड पेमेंट टू मी विद द हेल्प ऑफ अ चेक, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन माई न्यूमिरेटर. जो चुप रहे बोल. हाँ हाँ, और डबल इफेक्ट होता है ना हमेशा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. फॉर एवरी डेबिट देयर इज रिवर्स क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट भी तो बताना है. सेकेंड इफेक्ट विल बी ऑन लाइबिलिटी. कहाँ खत्म हुई, ये लाइबिलिटी है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है. पहले नेचर डिसाइड किया करो. हाँ ओके, हाँ लाइबिलिटी अनचेंज रही, व्हाट अबाउट एसेट देन? एसेट बढ़ा भी कम भी हुआ, नो चेंज एट ऑल. बैंक का आना मेरा एसेट का बढ़ना है, डेटर्स का कम होना भी तो मेरे एसेट का कम होना है. तो 1,00,000 इज बीइंग इंक्रीज एंड 1,00,000 इज टू बी डिक्रीज साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई नो इफेक्ट एट ऑल. अगेन इस ट्रांजेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. चलिए सर, प्रथम लॉन्ग टर्म लोन्स रीपेबल विद इन 12 months. Long term loans repayable within 12 months. क्या मतलब है लाइन का? बारह महीने के बीच बीच जो लोन मैंने लिया था उसकी पेमेंट करी है, और कहता है ये 12 महीने का लोन था, मींस शॉर्ट पीरियड के लिए था, मींस करंट लाइबिलिटी था. सो करंट लाइबिलिटी भी कम हुई, एसेट भी कम हुआ. मैथ्स का रूल क्या है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम अमाउंट से कम होते हैं तो रेशियो इंप्रूव होती है. ठीक है, करके देख लेते हैं. 50,000 कर लेते हैं हमें, क्योंकि 1,00,000 नहीं कर सकते, फिर नीचे जीरो हो जाना. ठीक है, ऊपर न्यूमिरेटर कितना रहा, 1,50,000, नीचे कितना हो गया, 50,000, क्योंकि करंट एसेट भी कम हो रही है, करंट लाइबिलिटी भी कम हो रही है. 3:1, सो इट इज इंक्रीजिंग. चेक इट, लास्ट का आंसर इंक्रीजिंग है. इसने क्या लिखा फिर, लॉन्ग टर्म लोन्स रीपेबल विद इन 12 मंथ्स विल रिड्यूस करंट रेशियो बिकॉज इट इज अ करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज इट इज करंट लायबिलिटी एंड करंट. उसने पता क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड है, नॉट पेड.
हमने लिए हैं लोन, 12 महीने के लिए लोन लिया है, टेकन, ही शुड राइट टेकन वर्ड, ठीक है, लोन लिया है, मैंने क्या असम्पशन ली, लोन रीपे कर दिया, रीपेबल मीन्स वो लोन लिया है जो 12 महीने के बीच बीच मेरे को पे करना है, पेड थोड़ी ना लिखा है, रीपेबल मीन्स आई टुक द लोन विच इज रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months, ठीक है, तो मेरे से भी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है रीड करते हुए. It is only the solution which is telling me we are taking the loan. So whenever we are taking the loan, it means the liability increased. Liability increase hui. Assets. Asset kya hua? Achha, asset ke upar koi effect nahi. Asset badhe. Loan lene se paisa aayega nahi. Aur mere bank account mein jata bhai, loan ka paisa. Mere hisab se asset bhi badhega, liability bhi badhegi. Jab asset aur liability same amount se badhte hain, to ratio kam ho. रिवर्स इफेक्ट, तो ठीक है, रेशियो डिक्रीज, उसने करंट एसेट पे इफेक्ट नहीं दिखाया, दिखाना चाहिए था, ठीक है. व्हेन यू टेक अ लोन, वेयर द मनी गोस, इधर यू आर गेटिंग द लोन इन कैश, कैश में कभी लोन मिलता ही नहीं है, वो कहता है पहले मेरे बैंक में अकाउंट खुलवाओ तो लोन मिलेगा, तो पैसा सीधा मेरे बैंक अकाउंट में जाता है, तो बैंक बैलेंस इज बीइंग इंक्रीज्ड एज वेल एज करंट लायबिलिटीज बीइंग इंक्रीज्ड, हैड ही नॉट बीन राइटिंग द वर्ड रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स और रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, देन आई विल बी अज्यूमिंग इट एज लॉन्ग टर्म लोन मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी का मेरी करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बैंक का बैलेंस बढ़ता तब सिर्फ न्यूमिरेटर बढ़ता, ठीक है, न्यूमिरेटर बढ़ता तो रेशियो बढ़ती. यू नीड टू इंटरप्रेट एवरीथिंग. ही मे स्किप दिस वर्ड रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, देन द लोन विल बी ट्रीटेड एज नॉन करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी कहीं पे भी मेरी रेशियो में नहीं आती, बिकॉज माई डिनोमिनेटर इज करंट लाइबिलिटी एंड माई न्यूमिरेटर इज करंट एसेट, राइट. चले आगे, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट करने के बाद ना बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड, इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड. 17th देखो, दिस इज 17th. करंट रेशियो वंस अगेन 2:1. Once again, I am assuming current asset 2 lakh है और current liability 1 lakh है. Redeemed 9% debenture, 1 lakh के debenture, yes, बहुत अच्छा point है. 10% premium पे redeem करे, पहले तो meaning समझो. 1 lakh के debentures को payment करनी है, premium का मतलब है 10% extra देना, ठीक है, means इनको 1 lakh मिलना था, 10% add करके हम 1,10,000 देंगे. डिबेंचर रिडेम्पशन की पहले 2 entries देखना, रूल क्या है आप भी सुन लीजिए कटारिया सा, सबके लिए है, सी है. सो व्हेनेवर द डिबेंचर्स आर बीइंग रिडीम्ड, वी फर्स्टली मेक इट ड्यू. हम डिबेंचर को, ये चैप्टर है हमारा फुल फ्लेज कंपनी अकाउंट्स में, यहाँ पे क्योंकि एंट्री की रिक्वायरमेंट है तो आई एम टेलिंग यू, हम एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिटेड, आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश नहीं करते आमतौर पे, बैंक में करते, ठीक है, इससे पहले हम इसे ड्यू करते हैं. परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, पहले अमाउंट को ड्यू करो फिर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दो. Do you are not related with both the interests here, but you should know it. Debentures कितने के हैं? Debentures कितने के हैं? 1 lakh के. जब मैं एंट्री करूंगी तो डिबेंचर होल्डर्स में 1 lakh ही आएगा, लेकिन आप उन्हें 10% ज्यादा दे रहे हैं तो आपका आउटफ्लो का जो अमाउंट है वो कितनी होगी? 1,10,000. आई एम रिपीटिंग, वेन वी मेक द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, देखो अब यहाँ पे वो खुद अज्यूम कर रहा है कि डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जबकि कल हम लोगों ने इलस्ट्रेशन करी थी, देयर बाय ही वाज अज्यूमिंग दैट द डिबेंचर्स आर द करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. कल जाते हो जाते एक पॉइंट करवा के गई थी ना, जहां पे उसने डिबेंचर्स को करंट लायबिलिटी माना था. सो इट इज आवर ओन विश व्हाट यू कंसिडर इट. अब यहाँ पे क्या हुआ, डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मेरे को लगता है सिर्फ कैश का आउटफ्लो है. व्हेन इट इज अ आउटफ्लो ऑफ कैश मींस आपका न्यूमिरेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. जब न्यूमिरेटर कम होता है तो रेशियो, फिर से मेरे को लगता है इसने करंट लायबिलिटी माना. रीजन पढ़ो,
करंट लाइबिलिटी भी कम हुई है, कहता करंट एसेट भी कम हुई। इफ द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टेक्स प्लेस इन द करंट ईयर वेयर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स बिकम करंट लाइबिलिटी, इन सच अ केस करंट रेशियो विल इंक्रीज, क्योंकि दोनों करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आर डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, अगेन ही हैज अज्यूम्ड डिबेंचर एज अ करंट लाइबिलिटी, जबकि डिबेंचर आमतौर पर नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। अगर आप नोट लिख के आते हैं वी आर अज्यूमिंग इट, वैसे एमसीक्यू आने हैं नोट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ही विल बी टेलिंग यू इन डिटेल कि डिबेंचर को करंट लाइबिलिटी मानना है कि नॉन करंट लाइबिलिटी मानना है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर स्टार बनाओ, जब कभी भी चैप्टर को रिवाइज करोगे पेपरों के लिए ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, वेदर टू इन फ्री ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी और एज नॉन करंट लाइबिलिटी। रिसीव फ्रॉम डेटर्स अभी करवाया, बोलो रिसीव फ्रॉम डेटर्स अभी करवाया मैंने, नो चेंज, क्योंकि कैश अगर आया तो डेटर्स गए भी हैं, एक करंट एसेट बढ़ा है दूसरा करंट एसेट कम हुआ है, सो नो चेंज। अगला करो, यस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार्टर सिस्टम है, चीज के बदले में चीज। जिससे मशीनरी खरीदी उसको बोला तू कैश ना ले मेरे से, मेरे कंपनी के शेयर्स ले ले। एंट्रीज देखना जरा मैं क्या करूंगी, एंट्री होगी पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, पहले मशीन खरीदी, वेंडर का मतलब सेलर, फिर वेंडर को बोला तू मेरी कंपनी के शेयर ले ले, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हैड आई बीन पेइंग कैश टू माय वेंडर तो करंट एसेट कम होता, ये क्या है आपका शेयर कैपिटल है, ये आपका क्या है फिक्स एसेट है, तो नो चेंज है मेरे हिसाब से। ठीक है, ना कोई करंट एसेट इफेक्टेड हुआ ना कोई करंट लाइबिलिटी इफेक्ट हुआ, इसलिए नो चेंज इट हो। राइट, आप चाहो तो इन दो एंट्रीज की जगह एक एंट्री भी कर सकते हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी कैपिटल, वेंडर का अकाउंट ना ओपन करो, बट बेटर प्रैक्टिकल तो यही कहता है कि पहले वेंडर की अमाउंट ड्यू करो और फिर उसे पेमेंट करो। एंड वी आर नॉट मेकिंग द पेमेंट टू हिम इन हार्ड कैश, वी आर जस्ट मेकिंग द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, हम उसे कहते हैं हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। चीज के बदले में चीज, पार्टनर सिस्टम होता है ना, तो इसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब शेयर कैपिटल का चैप्टर करेंगे वी विल रिवाइज दिस टॉपिक इन डिटेल देयर। राइट, एनी डाउट, नो चेंज, आगे चलो। अगला आपने बताना एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, पहले सबसे पहले आपने मेरे को ये बताना है एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप यहाँ पे मीन्स आपकी कंपनी यहाँ पे ड्रॉ है कि ड्रॉइंग, पहले ये बताओ। करवाए हुए प्लस वन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में ऐसे पॉइंट्स, आप यहाँ पे ड्रॉर है कि ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, यस वी एक्सेप्टेड अ बीपी, एंट्री क्या आएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड क्रेडिटर के ड्रॉर, ड्रॉर लिख लो चाहे, टू बीपी, एक लाइबिलिटी कम हुई दूसरी लाइबिलिटी बढ़ी, नो चेंज इट ऑल, डन, एनी डाउट, ठीक है ना, क्रेडिटर टू बीपी या ड्रॉर टू बीपी। आगे चलते हैं, कम एट 18 छोटा सा, ये दो ही पॉइंट है, करने के बाद 19th 20th भी देख लो क्योंकि दो दो पॉइंट है, फिर देखते हैं बैक एक्सरसाइज। देखो जी 18th देखो, पढ़ो 18th का सारा समझ आता है आपको, रीड 18th क्वेश्चन एवरीवन। करंट रेशियो वंस अगेन, बैक क्वेश्चन जब करेंगे ना तो वो हमेशा राउंड ऑफ रेशियो नहीं देगा, वो 1.5:1 भी दे सकता है, 2.5:1 भी दे सकता है, यहाँ पे तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इजी बना रहा है, एवरी टाइम ही गिव्स मी 2:1। Included in trade payables was a BP of rupees 9,000 which was met on maturity. TP to cash. ठीक है? कहता ट्रेड पेबल्स में एक बीपी था, नहीं लिखना टीपी तो बीपी लिख लो, बीपी टू कैश, लाइबिलिटी भी कम हुई एसेट भी कम हुआ, रेशियो विल इंक्रीज, इजंट इट, देखो जरा इंक्रीज है। ठीक है जी, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला कि बिल्स पेबल ट्रेड पेबल में है, तो हमें पता ही है ट्रेड पेबल इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एज वेल एज बीपी, सो व्हाट, बेसिकली करंट लाइबिलिटी की पेमेंट हो रही है, करंट लाइबिलिटी की पेमेंट हो रही है तो बीपी को डेबिट कर दीजिए, साथ में कैश का आउटफ्लो हो रहा है, करंट एसेट कम हो रहा है, करंट लाइबिलिटी भी कम हो रही है, मैथ का रूल है न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम अमाउंट से कम होते हैं तो रेशियो कम सा, सो इट इज इंक्रीजिंग, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है प्रभनूर, चले आगे, कम टू नेक्स्ट, अभी बताया आप बताओ, 1,00,000 शेयर दिए, 10 रुपए का एक,
मीन्स हमने अपने वेंडर को 10 लाख के शेयर दिए, तो ऑब्वियस है 10 लाख की मशीन भी खरीदी होगी। जब मशीन खरीदी और वेंडर को बोलने बदले में तो हमारी कंपनी के शेयर ले ले, तो नो चेंज एट ऑल, क्योंकि मशीन का आना नॉन करंट एसेट है। शेयर कैपिटल हमारे ओवरऑल शेयर होल्डर फंड होता है, वो कभी भी हमारी करंट रेशियो का पार्ट नहीं होता। वंस अगेन नो चेंज। आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है कि कितने के शेयर, जितने के मर्जी 50 लाख के शेयर दे दो, हमें क्या, हमारी करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ना। दिस विनो चले आगे 19th पे आइए, रीड 19th। Yes, for the first time now the ratio is up. हर बच्चा सोच के और verify करके बोलेगा, because this is a unit fraction now. अब वो वाला rule नहीं लगेगा कि same amount से अगर कम होता है और बढ़ता है numerator और denominator तो ratio increase होगी, ऐसा नहीं होगा। Now we need to verify, because this time it is a unit fraction. अभी तक जो भी किया है वो सभी क्या थी, improper fraction थी, तो हमारा वो वाला rule लग जाता था, यहाँ पे नहीं लगना। चलो जी पढ़ते हैं, ये paper में भी आया हुआ, देखो लिखा ना उसने Delhi के paper में 2014 में आया हुआ। इंक्लूडेड इन टीपी, अब पहले वाला पॉइंट ही बना दिया, 20,000 बिल्स पेबल की पेमेंट करी, कैश भी कम हुआ, ठीक है, और बीपी भी कम हुआ। मैं मान के चलती हूँ 50,000 की पेमेंट है, तो ऊपर भी 50 रह गया, नीचे भी 50 रह गया, फिर से सेम, बिकॉज इट इज अ यूनिट फ्रैक्शन। हैड इट बीन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कम होना रेशियो को इंक्रीज करता है। 18th में आपने सेम पॉइंट किया, लेकिन वहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन है, सो इट इज रिमेनिंग सेम। समय ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेशियो विच विल डिटरमिन विल इट बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रिमेनिंग सेम, राइट। आगे चलते हैं, कंपनी ने 50,000 के शेयर वेंडर को दिए, ये तो नो चेंज ही है, बिकॉज नो करंट एसेट नो करंट लाइबिलिटी इज गेटिंग अफेक्टेड। दिस इज 19, कम एट 20th, 20th पे आओ, फिर से करंट रेशियो S2:1। हुआ क्या, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स थे जिनसे हमें 40,000 मिल गया, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, फिर से नो चेंज, रिपीटेड है सारी चीजें भाई। आगे चलते हैं, कंपनी ने फर्नीचर खरीदा और वेंडर को बोला मेरी कंपनी के शेयर्स ले ले, एट पार का मतलब है अगर 10 का शेयर है तो 10 में, कभी वो बोलेगा एट प्रीमियम तो 10 का शेयर हो सकता है वो 11 में इशू करे, डिस्काउंट में कभी शेयर इशू नहीं होते। 2013 कंपनीज एक्ट में इस कंडीशन को रिमूव कर दिया गया है, शेयर्स कैन ईदर बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, राइट। सो अगले में भी नो चेंज, बिकॉज वन ऑफ योर नॉन करंट एसेट इज बीइंग इंक्रीजिंग एंड अनदर इक्विटी शेयर कैपिटल इज इंक्रीजिंग, बोथ आर नॉट द पार्ट ऑफ माई करंट रेशियो, कम एट द बैक एक्सरसाइज। So only 21st is left, कर लेते हैं वो भी बाद में discuss, come at the back exercise. This is 4.101 से हमारे question start होते हैं. 15th increase or decrease, पहले 5 points सभी लोग करके रखो. Every student will see first 5 points we will discuss within 2 minutes. Make up your mind and just see क्या होना है 5 points में, increase, decrease or will it remain same? I'm improved. First, you reach. We are endorsed to a creditor. Endorsement करवाया होगा bills of exchange के chapter में. So, honey, entry बोलनी पहले आपने मेरे को. We are endorsed to creditor. Creditor to BR. Very good. Creditor to BR. Right. Creditor to BR. Liability is coming down and asset is also coming down ना. Current asset भी कम हो रहा है. Current liability भी कम हो रही है. So, it is going to improve. Unless and until you are not knowing the entries, how can you judge its effect? याद है आपको एंडोर्स किया करते थे सी को, बी आर एंडोर्स टू सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में, सी यूज्ड टू बी आर क्रेडिटर, ठीक है, सी अकाउंट डेबिटेड टू बी आर किया करते थे हम लोग, तो सेम वी डिड हियर। कम टू नेक्स्ट, पुलकित शर्मा अनम्यूट करो। हाँ, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर, ऑलरेडी डिक्लेयर मींस वही डिक्लेरेशन हो गई थी और अब पेमेंट किया है, मींस डिविडेंड इज नाउ हियर आर करंट लायबिलिटी। पुलकित वेटिंग, बेटा जी डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश भाई,
और फाइनल डिविडेंड वी विल बी अस्यूमिंग जो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है ये परपोज डिविडेंड नहीं है, ठीक है। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है ये आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया और विद इन 7 डेज यू आर सपोज टू पे, डिक्लेयर हो गया, वो तो परपोजर था, परपोजर को इसकी सहमति मिलेगी तब महीने के बीच होगा पे। ये क्या है फाइनल डिविडेंड विद इन द 7 डेज यू आर सपोज टू पे। सो इट इज योर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इज कमिंग डाउन, योर करंट एसेट इज आल्सो कमिंग डाउन विद द सेम अमाउंट, देन रेशियो विल इंप्रूव मींस विल इंक्रीज। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, मैंने आपको ये टिक करवाना है, कहीं पे आगे जाके रेशियोस आएंगे, ही विल बी टेलिंग अस द मीनिंग ऑफ फाइनल डिविडेंड। राणा गुरजीत अनम्यूट करो। सो हूएवर आर आंसरिंग इट मींस कि दे आर गेटिंग द कांसेप्ट। यस मैम। ओके, चलिए जी, परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑन क्रेडिट, इट इज फिफ्थ पॉइंट वी आर डूइंग। करंट एसेट एंट्री बोलो, करंट एसेट इंक्रीज्ड, करंट लायबिलिटी इंक्रीज्ड, सो रेशियो विल डिक्रीज। बिल्कुल ठीक है, करंट एसेट विल इंक्रीज, करंट लायबिलिटी विल इंक्रीज, रेशियो विल डिक्रीज। ठीक है, एंट्री क्या होगी? परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, परचेसेस इज अ पार्ट ऑफ माय स्टॉक, सो स्टॉक इज बीइंग इंक्रीज्ड मींस माय करंट एसेट्स आर बीइंग इंक्रीज्ड, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली माय करंट लायबिलिटीज आर आल्सो बीइंग इंक्रीज्ड, एज द रेशियो इज इंप्रॉपर फ्रिक्शन, सो दैट्स व्हाई रेशियो विल कम डाउन। गुड, यस। अगली एंट्री जो मेरे को बताएगा मैम, ही और शी इज रियली इंटेलिजेंट। गौरव अनम्यूट करो। गौरव, एक एंडोस्ड बीआर था जो डिसऑनर हो गया, एंडोस्ड बीआर डिसऑनर, हु विल टेल मी द जर्नल एंट्री? गौरव, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन एंडोस्ड विल गेट्स डिसऑनर? बोलो। बिल्कुल ठीक, लेटर टू क्रेडिट सिखाया हुआ है आपको, और हालांकि विड्रॉल डेबिट होगा, जिसने पास किया है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है, फर्स्ट 5 पॉइंट्स फ्रॉम 16 इक्वेशन।
Vaibhav, it is correct. Cash loss to machine, cash to profit to asset. Good. Okay, 16 question, everybody can see. Within 2 minutes, we will discuss it.